अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं लोगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस धरती पे और कोई नहीं ले सकता। रैंक छीन के लानी होती है, घर पे बैठे को कोई नहीं देखे जाता। जिनकी डबल डिजिट रैंक आती है, सिंगल डिजिट, AI रैंक 1, ये कोई पैदाइशी मिनिमम की कोई क्राइटेरिया नहीं है। मिनिमम कितने PYQ कर ले, मिनिमम कुछ नहीं है, जितने होते हैं उतने कर लो फटाफट। यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि आपको कोई गवर्नमेंट सीट मिल रही है उसके बाद में आप डॉक्टर बनी गए। रैंक अगर आपकी 5000 आ रही है तो उसको 3000 में कन्वर्ट करो, 3 आ रही है तो 1000 में लाओ, 1000 में आ रही है तो 500 के अंदर लेके जाओ, 500 के अंदर आ रही है डबल डिजिट में जाओ, डबल डिजिट में आ रही है तो अंडर 10 आओ। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज अच्छी लगती है, लेट्स से मैथमेटिक्स अच्छी लगती है, फिजिक्स अच्छी लगती है, केमिस्ट्री, उसमें तो करे जा रहे हैं और आपने एक सब्जेक्ट को त्याग रखा है तो फिर से गड़बड़ हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है जी, बिकॉज अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली सर 12 से लेके 15 घंटे पढ़ेंगे तो ना तो रिजल्ट तो आएगा ही ऑब्वियसली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबका अपना अपना एक ग्रे एरिया होता है, डार्क एरिया होता है जिसको हम लोग स्किप करके चलते हैं, तो उसके लिए मेरी सजेशन ये है कि उसमें आप बेयर मिनिमम प्लीज पढ़ के जाएं। जो पुराने 5 साल के PYQ में क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं के ही टॉपिक पढ़ जाओ, इतना तो जरूर कर जाओ। पहली बार रिवीजन डिटेल में करना है, एक एक चीज को पढ़ते हुए, उसके बाद में उनके बनाए शॉर्ट नोट्स अगर बने हुए पहले से तो बहुत अच्छी बात है, वरना शॉर्ट में बना लिए, फिर फटाफट उनको फिर से रिवाइज किया एक बार और। रात को सोने लगे, पेज पे सारा कुछ लिखा हुआ है, देख लिया, अच्छा ये होता है, ये होता है। जब आप शिद्दत से रिवाइज कर रहे होंगे तो क्वेश्चंस पैरेलल में आपके दिमाग में चल रहे होंगे। फिर बोल रहा हूँ बेटा, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं लोगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस धरती पे और कोई नहीं ले सकता। जाकर रैंक छीन के लानी होती है, घर पे बैठे को कोई नहीं देखे जाता। हमने शिद्दत से बहुत पढ़ा है भाई, नाउ मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेहनत करें, एक भी सिंगल सेकंड वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, जिन लोगों की रैंक आती है, जिनकी डबल डिजिट रैंक आती है, सिंगल डिजिट, AI रैंक 1, ट्रिपल डिजिट, 5000, 7000, ये लोग भी बच्चे ही होते हैं। ये कोई पैदाइशी, मतलब इन पे टैग नहीं लगा होता कि इसकी इतनी अच्छी रैंक आएगी। उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया है, जो भी चैलेंजेस उनके साथ हैं उनसे खुद डील किया है। तो प्लीज जो आपने मेहनत की है उस पे विश्वास रखिए और खुद पढ़ाई कीजिए, पेन चला चला के पढ़ाई कीजिए। जितना ज्यादा आपका पेन चलता रहेगा उतना ज्यादा बेनिफिशियल आपकी ये वाला जो है ड्यूरेशन होने वाला है। आपको 12 से लेके 15 घंटे पढ़ाई करनी है, आपका पेन चलता रहना चाहिए, पेन चला चला के पढ़ाई कीजिए।